हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के ब्यूटी कॉर्नर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक होम रेमेडी हमारे लार्ज ओपन पोर्स के लिए। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड तक मैं आपको दो तीन ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकेंगे। तो दो इन्ग्रीडियंट जो हैं वो मेन है इस रेमेडीज के, वो एक है एलम और दूसरा है ये, दूसरी है हमारी मुल्तानी मिट्टी। तो एलम जो है आप सबको पता ही है कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जब भी हमें कभी किसी के कोई कट लग जाता है तो सबसे पहले हम एलम को पानी में घोल कर, इस फिटकरी को पानी में घोल कर उस जगह पे लगाते हैं, तो वो कट जो है वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो यही तरीका है हमारे ओपन पोर्स को भी श्रिंक का। जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो और आप जल्दी में हो, आपको कहीं जाना हो, तैयार होना हो, तो आप सबसे पहले अपने फेस को गीला करें और इस एलम को आप 2 से 3 मिनट तक ऐसे अपने पूरे फेस के ऊपर अच्छी तरह से इसे रब कर दें, और देन आप उसे ठंडे पानी से वॉश करें। ठंडे पानी से आपको वॉश करना है, गर्म पानी नहीं लेना है, आपको वार्म पानी भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आप सर्दियाँ हैं तो आप हल्का गर्म पानी लेंगे, तब भी नहीं। सर्दियों में भी आपको सिर्फ ठंडे पानी से ही अपना फेस वॉश करना है, क्योंकि गर्म पानी से जो हमारी फेस है वो और ज़्यादा ढीली सी हो जाती है, लटकी हुई नज़र आती है। तो हमें सिर्फ इसे यूज़ करना है, इसी से हमारा जो फेस है वो, इससे पोर्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगे और हमें वो कम नज़र, छोटे नज़र आएंगे। तो एक तो थी ये रेमेडी, और दूसरा है हम बनाएंगे पैक। तो पैक बनाने के लिए सबसे आप देखिए रेमेडी। फेस पैक बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 ये है मुल्तानी पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, और दूसरा है ये गुलाब जल, और देन ये है एलम यानी कि फिटकरी। फिटकरी ये इस तरह से होती है, क्रिस्टल फॉर्म में आती है। आपको इसे तोड़ करना, छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं इसके, और फिर इसे आपको पीस लेना है मिक्सर में पीस कर। इसका हमें बना लेना है इस तरह से चूर्ण, इस तरह से इसका पाउडर बना लेना है हमें। ये देखिए ये पाउडर बन गया। और एक हम लेंगे लेमन, हाफ लेमन लेंगे हम, हाफ इसमें हम लेमन डालेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ये पैक। एक चम्मच मुल्तानी पाउडर यानी कि मुल्तानी मिट्टी, और उसमें हम हाफ लेमन लेंगे, हाफ लेमन इस तरह से इसे हम स्क्वीज कर लेंगे। ठीक है, और अब हम इसमें डालेंगे ये गुलाब जल, इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से ताकि ये पेस्ट हमारे फेस के ऊपर आसानी से लग सके इस तरह से इसका। ये देखिए, और देन लास्ट में हम ना सिर्फ एक चुटकी भर, एक चुटकी जो है एलम लेंगे, वन पिंच इस तरह से हम, बस इतनी ही एलम हम लेंगे। ये एलम पाउडर है, फिटकरी पाउडर है, इतना ही हम इसमें मिक्स करेंगे ये बस। अब ये आपके फेस के ऊपर लगाने के लिए तैयार है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अपने फेस के ऊपर इसे अप्लाई करें। इसे हमें ब्रश से नहीं लगाना है, इसे हमें हाथ से ही लगाना है, ताकि ये जो हमारे पोर्स में है ना, अच्छी तरह से अंदर तक ये फिल हो जाए इस तरह से। अब इसे हम 15 मिनट तक ऐसे ही रहने दें और इसे थोड़ा सा ड्राई होने दें। ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा ड्राई करेंगे हम इसे, थोड़ा सूखने देंगे।
फेस वॉश करने के बाद हम अपने फेस के ऊपर थोड़ी देर के लिए मसाज करेंगे एलोवेरा जेल से। आप अपनी पसंद का कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो है ना वो हमारे फेस से सारा ऑयल खींच लेती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा, हम ओवर ड्राई नहीं करना चाहते हैं उसे। और ये एलोवेरा जेल जो है आपके फेस को एक अच्छा सा हाइड्रेट करेगा, अच्छी तरह से ये मॉइस्चराइज कर देगा और साथ ही साथ ये मॉइस्चर को लॉक कर देता है। देखा आपने कि पैक लगाने के बाद ना हमारे फेस के ऊपर कितना डिफरेंस है, किस तरह से हमारे जो ओपन पोर्स हैं वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, बंद हो गए हैं। तो जब भी आपके पास टाइम हो, हफ्ते में 2 या 3 बार आप इस पैक को लगाएं और आप देखेंगे कि ये इतना ही बेनिफिशियल ये पैक है ना कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और देन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आप डेली के डेली रात को ज़रूर सोने से पहले एलोवेरा जेल लगाएं। एलोवेरा जेल लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि एलोवेरा जेल हम जब रेगुलर लगाएंगे ना तो आपको 1 मंथ में उसका रिजल्ट आएगा। 1 मंथ के बाद आप देखोगे कि आपको अपनी एज, आपका फेस जो है उसमें इतना डिफरेंस नज़र आ रहा है कि आपको लगेगा कि आपकी फेस जो है 2 साल पीछे जो आपकी एज हो गई है। क्योंकि एलोवेरा जेल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ये अपने आप में एक मॉइस्चराइज़र है। तो जिनको भी और जिनकी ऑयली स्किन है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो एलोवेरा जेल ही लगाएं। कोई भी और क्रीम छोड़ दो, आप एलोवेरा जेल लगाओ, सिंपल सिंपल एलोवेरा जेल लगाओ। तो आप देखोगे कि आपके फेस के ऊपर से रिंकल गायब हो गए हैं, आपके फेस में एक चमक आ गई है, आपकी स्किन जो है वो एक इवन टोन हो गई है, जो आपके स्किन के ऊपर कोई भी कोई दाग धब्बा या कहीं भी कोई ब्लेमिशेस हैं वो गायब हो गई हैं। जब आपका फेस जो है आपको यूथफुल नज़र आने लगेगा, जवान नज़र आने लगेगा खुद को, तो आपके ओपन पोर्स की जो ये श्रिंक जो लार्ज ओपन पोर की प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप रेमेडी कोई भी यूज़ करो दोनों में से, लेकिन एलोवेरा जेल डेली के डेली आप ज़रूर लगाओ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको कोई ना कोई लाभ ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।